चोण वादे पूरे करन दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिली डेडलाइन 18 मुद्दों ते कार्रवाई करन लई कहा हाईकमान नूं बिना मिले ही दिल्ली तो वापस पंजाब परते कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी उत्ते भी हो सकती कार्रवाई हरीश रावत ने सिद्धू वालों दिते बयान मंगवाए कहा सिद्धू के बयान जांचण तो बाद दिते जाणगे निर्देश विरोध तो बाद फतेह जंग बाजवा के परिवार ने नौकरी लेने तो किया इनकार तरस के आधार उत्ते विधायक के बेटे नूं दित्ती गई सी पुलिस इंस्पैक्टर की नौकरी कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस फैसले का विरोधी पार्टियां सने अपनी ही पार्टी विच होया सी विरोध देश विच सितंबर विच बच्चों की वैक्सीन मिल सकती है मंजूरी एम्स के डायरेक्टर ने किया दावा 2 से 12 साल के बच्चों उत्ते वैक्सीन का चल रहा ट्रायल पाकिस्तान विच हाफिज सईद दे घर दे बाहर धमाका लाहौर विच जोहर टाउन इलाके विच गैस पाइपलाइन विच होया ब्लास्ट धमाके विच 15 लोग हुए जख्मी गुड मॉर्निंग पंजाबियों एबीपी सांझा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है मैं हां तजिंदर कौर पंजाब कांग्रेस के काटो कलेश नूं वेखते हुए हाईकमान ने हुण सख्त स्टैंड लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चोण वादे निभाउण दे लई हुण डेडलाइन दे दित्ती गई है ते उधर नवजोत सिंह सिद्धू उत्ते भी कार्रवाई हो सकती है खड़गे कमेटी के मैंबर हरीश रावत ने सिद्धू के बयान मंगवाए ने ते कहा है कि बयान सुनने तो बाद निर्देश दिते जा सकते ने ते उधर राहुल गांधी वालों पंजाब विधायकों के मंत्रियों के नाल मीटिंगा का सिलसिला भी जारी रहा है अज प्रताप सिंह बाजवा ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी के नाल मुलाकात की है पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बिना हाईकमान तो मिले अज दिल्ली तो पंजाब वापस परताए ने कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उपर शिकंजा कस दिता है हाईकमान ने कैप्टन नूं वादे पूरे करने लई डेडलाइन दिती है हाईकमान ने स्पष्ट कर दिता है कि लोगों नाल कीते वादे तय समय अंदर पूरे करने ही होणगे पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने राहुल गांधी नाल मुलाकात खत्म होने बाद कहा है कि बेअदबी ते नशे के मुद्दे का हल कढ़िया जाएगा उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी का भी नोटिस लिया गया है इस नाल ही हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू नूं दिल्ली बुलाया जाएगा कमेटी से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह जी मिले थे बहुत सारी बातें जो हमारे घोषणा पत्र में कही गई थी जिनका इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार ने कर दिया है उनकी जानकारियों को लेकर के जो हमें दी गई थी हमने उनसे कुछ बातें जानकारियां चाही और कुछ मामलों में EICC ने स्पष्ट तौर पर एक डेडलाइन देकर एक समय सीमा निर्धारित करके उनसे कहा है कि आप इन पर अमल करवाइए और वो समय सीमा जो बातचीत में उभर करके आई है उसी के आधार पर तय की गई मैंने उनके सारे बयान मंगाए हैं और जहां मुझे लगेगा आखिर जनरल सेक्रेटरी होता ही इसी के लिए है कि वो सलाह भी दे सके और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो पंजाब के सभी लोगों ने मेरी सलाह मानी है मुझे इतना आदर मान दिया है लेकिन जो छपता है और जो कहा जाता है उसको उसके बीच के गैप को आप अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको मंगा करके मैं देख करके जो है जो भी राय जिसको देनी होगी राय के रूप में निर्देश के रूप में जैसे भी देना होगा वो सबको दिया जाएगा सिद्धू को दिल्ली बुलाएंगे सर जैसे कैप्टन साहब से बुला के मिले सिद्धू को भी बुलाएंगे मेरा जवाब हाँ है कब समय जिस समय चीजें आती हैं उस हिसाब से निर्धारित करना पड़ता है पंजाब कांग्रेस का कलेश निबड़ता विखाई नहीं दे रहा है दिल्ली विच अज भी हलचल जारी है पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस पंजाब आ गए ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी दे नाल मुलाकात करके नहीं आए
मंगलवार नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह तीन मैंबरी कमेटी सामने पेश होए सी। करीब 3.5 घंटे तक यह मुलाकात चली सी, जिस तों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंबिका सोनी ते सलमान खुर्शीद नाल भी मुलाकात की, पर हुण उह हाईकमान तों मिले बिना वापस पंजाब आ गए ने। मन्निया जा रहा है कि कैप्टन वार वार मीटिंगां ते सिद्धू दी लगातार बयानबाजी तों काफी नाराज ने। कैप्टन इस गलों भी खफा ने कि राहुल गांधी पंजाब दे मंत्रियां ते विधायकां तों पंजाब सरकार दे काम दी फीडबैक लै रहे सन। विधायक फतेहजंग बाजवा दे परिवार ने नौकरी लैण तों इनकार कर दित्ता है। इह जानकारी पंजाब कांग्रेस मामलियां दे इंचार्ज हरीश रावत ने दित्ती है। हरीश रावत दा कहना है कि उन्हां ने धनवाद सहित नौकरी लैण तों मना कर दित्ता है। पंजाब कांग्रेस के दो विधायकों के बेटियां नूं तरस के आधार उत्ते नौकरी दी गई सी। इस फैसले का विरोधी पार्टियां के नाल नाल पंजाब कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो रहा सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्ते इस फैसले नूं लेके सवाल खड़े किए जा रहे सी। पंजाब कांग्रेस के विधायकों के बेटियां नूं नौकरी देने दे मसले उत्ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने भी एतराज जताया। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इस फैसले ते सवाल खड़े किए ने। सुनील जाखड़ ने कैप्टन दे सलाहकारां ते सवाल खड़े करदे हुए कहा कि कुछ गलत लोग कैप्टन तो अजिहे फैसले करवा रहे ने। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट दे मुताबिक जयपाल नूं टॉर्चर नहीं किया गया सी। उंज PGI दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उत्ते सवाल खड़े करदे हुए जयपाल भुल्लर दे पिता ने कहा है कि PGI दे डॉक्टर ने 22 सट्टां लिखियां ने, पर रिपोर्ट विच हेठां दो लाइनां विच लिखा गया है कि कोई शरीरिक तशद्दत नहीं कीती गई। इस दे नाल ही जयपाल दे पिता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट उत्ते सवाल खड़े किए ने ते सिस्टम उत्ते भी सवाल चुके। दूजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउण तों बाद हुण जयपाल भुल्लर दे परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दित्ता है। गुरदासपुर के बटाला विच BJP सांसद श्वेत मलिक दा किसानां वल्लों घेराव कीता गया। जदों किसानां नूं श्वेत मलिक दे इत्थे आउण दी जानकारी मिली तां किसानां वल्लों उन्हां दा घेराव कर लिया गया ते उन्हां खिलाफ जम के नारेबाजी कीती गई। इस दौरान किसानां ने श्वेत मलिक नूं कालियां झंडियां भी विखाईयां। किसानां दा कहना सी कि जदों तक तिन्ने खेती कानून रद्द नहीं हुंदे उदों तक BJP दे हर एक लीडर दा विरोध कीता जाएगा अते इन्हां नूं पिंडां विच वड़न नहीं दित्ता जाएगा। बरनाला दे पिंड हमीदी वेखे ETT ते NTT अध्यापक झोना लगाउण दे लई मजबूर ने। अध्यापकां दा कहना है कि सरकार वल्लों दित्ते जा रहे भत्ते नाल घर दा गुजारा नहीं हो रहा, जिस करके उन्हां नूं झोना लगाना पै रहा है। उन्हां कहा कि पहलां अकाली सरकार फिर कांग्रेस सरकार ने पक्का करन दा वादा कीता सी पर उसनूं निभाया नहीं। इस दे नाल ही पूरे परिवार दे मैंबर पोस्ट ग्रेजुएट होण दे बावजूद भी कोई नौकरी ना मिलण दे कारण झोना लगा रहे ने। समय छोटे ब्रेक का ब्रेक दे उस पार दसांगे कि भारत विच कदों मिल सकती है बच्चियां दी वैक्सीन नूं मंजूरी। भारत विच कोरोना वायरस की दूजी लहर की रफ्तार हुण घट हो गई है ते हुण माहरां दा मन्ना है कि तीजी लहर भी देश विच छेती ही आ सकती है ते इस दौरान ज़्यादा प्रभावित होण दा खर्चा बच्चियां उत्ते है। पर राहत की गल हुण इह है कि एम्स दे डायरैक्टर ने दावा किया है कि सितंबर तक देश विच बच्चियां दी वैक्सीन नूं भी मंजूरी मिल सकती है। देश विच सितंबर विच बच्चियां दी वैक्सीन नूं मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली एम्स हस्पताल दे डायरेक्टर ने यह दावा किया है। उन्हें कहा कि भारत बायोटेक दी कोवैक्सीन नूं सितंबर तक बच्चियां दे लई मंजूरी दित्ती जा सकती है। उन्हें कहा कि बच्चों ते कोवैक्सीन दे दूजे अते तीजे पड़ा दे ट्रायल तो बाद सितंबर तक डाटा उपलब्ध हो जाएगा। इसी महीने बच्चों दे लई कोवैक्सीन नूं मंजूरी दित्ती जा सकती है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जे फाइजर बायो एनटेक नूं भारत विच मंजूरी मिलती है तो यह भी बच्चों के लिए वैक्सीन का एक विकल्प हो सकता है। एम्स पटना ते एम्स दिल्ली विच 2 to 12 साल तक दे बच्चियां ते कोवैक्सीन दा ट्रायल चल रहा है। DCGI ने 12 मई नूं भारत बायोटेक नूं बच्चियां उत्ते दूजे अते तीजे पड़ा दे ट्रायल दी मंजूरी दित्ती सी। एलोपैथी उत्ते कीती गई टिप्पणी नूं लैके देश भर विच FIR दा सामना कर रहे रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट दा दरवाजा खटखटाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट विच एक पटीशन दायर कीती है अते एलोपैथी नूं लैके कीतियां गईयां टिप्पणियां उत्ते देश दे वख-वख हिस्सियां विच दर्ज FIR नूं क्लब यानी कि एकसाथ करन दी मांग कीती है।
इस तो अलावा उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दी पटना ते रायपुर विंग वालों दर्ज मुकदमिया विच किसी तरह की दंडकारी कार्रवाई तो बचा की मांग की है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम दे भरा इकबाल कासकर नूं मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल यानी कि एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। ड्रग्स मामले विच प्रोडक्शन वारंट ते इकबाल कासकर दी कस्टडी ले ली गई है। हाल ही विच एनसीबी ने चरस ते दो कंसाइनमेंट फड़े सी जिन्हां नूं पंजाब दे लोक कश्मीर तो मुंबई बाइक ते लेके आ रहे सी। इस मामले विच करीब 25 किलोग्राम चरस फड़ी गई है। इसी मामले विच अग्गे दी जांच दे दौरान ही एनसीबी नूं अंडरवर्ल्ड दे तार मिले सी। इसे कारण अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम दे भरा इकबाल कासकर दी कस्टडी एनसीबी ने ली है। मामले दी जांच दे दौरान एनसीबी नूं टेरर फंडिंग अते ड्रग्स दी सप्लाई दे लई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो जुड़े अहम सुराग भी हाथ लगे सी। जेबीटी भर्ती घोटाले मामले विच हरियाणा दे साबका मुख्यमंत्री ते इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला दी सजा पूरी हो गई है। जूनियर बेसिक टीचर घोटाले विच 10 साल दी सजा काट रहे ओपी चौटाला नूं हुण तिहाड़ जेल तो रिहा कीता जा सकदा है। तिहाड़ जेल दे प्रशासन ने ओपी चौटाला दे वकील नूं इस बारे जानकारी दित्ती है। वकील वल्लों कागजी कार्रवाई पूरी कीती जा रही है जिस तों बाद ओह छेती ही जेल तो रिहा हो सकदे ने। ओम प्रकाश चौटाला ते उसदे बेटे अजय चौटाला नूं जेबीटी भर्ती घोटाले विच 2013 विच 10 साल दी सजा सुनाई गई सी। तीन खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली दी सरहदों उत्ते किसानों के आंदोलन नूं 26 जून नूं 7 महीने पूरे होण जा रहे ने जिस नूं लैके किसान एक बार मुड़ तो सिंगू अते कुंडली बॉर्डर मोर्चे नूं मजबूत करन दीआं तैयारियां विच जुट गए ने। झोने की बिजाई तो बाद एक बार मुड़ तो किसान कुंडली मोर्चे उत्ते आना शुरू हो चुके ने ते किसानों ने गोल्डन हट ढाबे ते आटे की एक मिल भी लगा दिती है ता जो आंदोलन के दौरान आटे की कोई कमी ना रहे। इस दे लई सोनीपत जिले के नेड़ले किसान करीब 50 ट्रालियां विच अनाज लेके पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे हिमाचल दौरे दौरान पुलिस आपस विच ही थप्पड़ो थप्पड़ी हो गई। कुल्लू दे एसपी ने गडकरी दे काफले नूं रोकण दे लई एक पुलिस मुलाजम नूं थप्पड़ मारिया अते फिर सुरक्षा दस्ते ने एसपी नूं बुरी तरह कुट्टिया। सुरक्षा कर्मी हिमाचल दे सीएम सुरक्षा दस्ते तो दसे जा रहे ने। गडकरी दा काफला भुंदर एयरपोर्ट तो मनाली जा रहा सी तां मनाली फोर लेन प्रभावित लोग रस्ते विच सड़क किनारे खड़े सी। गडकरी लोकां दी गल सुनण रुक गए ते इसे दौरान काफले नूं रोकण दे लई सीएम सुरक्षा अते कुल्लू एसपी दरमियान तकरारबाजी शुरू हो गई। हरियाणा के भिवानी जिले के पिंड निमड़ी वाली की मिडल वेट 75 किलो भार वर्ग की महिला मुक्केबाज पूजा वोरा देश के लिए हुण ओलंपिक विच खेडेगी। इस समय पूजा वोरा इटली विच टोक्यो ओलंपिक दियां तैयारियां विच जुटी हुई है। पूजा वोरा देश की पहली मुक्केबाज होवेगी जो ओलंपिक का कोटा हासिल कर देश के लिए खेडेगी। इस तो पहला मैरीकॉम ओलंपिक खेडा विच रेड कार्ड तो एंट्री पाने विच सफल हुई सी। ग्रीन कार्ड तो एंट्री करने वाली पूजा बोरा पहली मुक्केबाज ओलंपियन बनी है। पूजा बोरा दे माता पिता ते कोच नूं मेडल दी पूरी उम्मीद है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दे फाइनल विच टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड दी पहली पारी नूं 249 दौड़ां ते समेट दिता। न्यूजीलैंड नूं इस स्कोर विच समेटण विच तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दा अहम योगदान रहा है। उन्होंने 76 दौड़ा दे के कीवी टीम दे चार बल्लेबाजा नूं पवेलियन भेजिया। पंजवें दिन पहले सैशन विच शमी ने कमाल दी गेंदबाजी करदे हुए मैच विच टीम इंडिया दी वापसी कराई। शमी ने दिन दे पहले सैशन विच रॉस टेलर अते बीजे वाटलिंग दा विकेट लिया ते उन्होंने दूजे विच भी अपनी गेंदबाजी दा जलवा विखाया। मोहम्मद शमी दे लई साउथहैम्पटन दा मैदान काफी खास है। शमी इत्थे हैट्रिक लैण दा कारनामा भी कर चुके ने। उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप विच अफगानिस्तान दे खिलाफ मैच विच एक कमाल कीता सी ते इत्तेफाक है कि ओह तारीख भी 22 जून ही सी। उस मैच विच भी शमी नूं कुल 4 विकटां हासिल हुईयां सी ते हुण 2 साल बाद शमी ने इसे मैदान उत्ते 4 विकटां हासिल कीतियां ने। भारत खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दे पांचवें दिन न्यूजीलैंड दे कुछ खिडारियों नूं अपशब्द कहण वाले दो दर्शकों नूं मैदान तो बाहर कढ दित्ता गया। आईसीसी ने एक बयान विच किया कि सानू रिपोर्ट मिली है कि न्यूजीलैंड दे खिडारियों नूं अपशब्द कहे गए। साडी सुरक्षा टीम ने दोषियों नूं पछाण लिया अते उन्हां नूं मैदान तो बाहर कर दिता गया। उन्हां बयान विच किया कि असीं क्रिकेट विच किसे तरह दा अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं करांगे। टोक्यो विच ओलंपिक खेडा दी शुरुआत 23 जुलाई नूं होवेगी। ओलंपिक खेडा विच 8 गोल्ड मैडल नाम कर चुकी भारतीय हॉकी टीम इस बार मजबूत तैयारी दे नाल मैदान विच नितरी है। ओलंपिक खेडा दे लई मनप्रीत नूं भारतीय पुरुष हॉकी टीम दा कप्तान बनाया गया है। वीरेंद्र अते हरमनप्रीत नूं उपकप्तान दी जिम्मेदारी दित्ती गई है।
भारत ने पिछले हफ्ते 16 मेंबरी टीम का ऐलान कर दिता सी, पर कप्तान दे नाम का ऐलान हले होना बाकी सी। मनप्रीत तीजी बार ओलंपिक खेडन जा रहे ने। मनप्रीत की कप्तानी विच भारत ने एशिया कप 2017, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2018, FIH सीरीज फाइनल 2019 जीते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दिवस के मौके पर ओलंपिक विच देश की अगवाई करने वाले खिडारियों के योगदान उत्ते मान जताया। इस मौके उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करके टोक्यो ओलंपिक विच हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के मैंबरों नूं शुभकामनावां भी दित्तियां। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 नूं पैरिस विच कीती गई सी, इसलिए इस दिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जांदा है। पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक दिवस के मौके उत्ते मैं उन्होंने सारे खिडारियों की सराहना करता हाँ जिन्होंने वख-वख ओलंपिक खेडों विच भारत की अगवाई की है। खेड के प्रति उन्होंने योगदान दिता ते होर खिडारियों नूं प्रेरित करने दे लई देश नूं उन्हां ते माण है। लगातार दो हार तो बाद डेनमार्क ने ना सिर्फ जीत दर्ज की है बल्कि 17 साल बाद यूरो कप के अंतिम 16 का टिकट भी कटा लिया है। हुण शनिवार को डेनमार्क का सामना वेल्स नाल होगा। डेनमार्क इस तो पहला 2004 विच क्वार्टर फाइनल विच पहुंचा सी। डेनमार्क ने ग्रुप बी के अपने अंतिम मैच विच 43 मिनट के अंदर ही 4 गोल दाग के रूस नूं 4-1 दे नाल हरा दिता। इस हार दे नाल ही रूस की टीम टूर्नामेंट तो बाहर हो गई है। समय खोज छोटे जे ब्रेक दा ब्रेक दे उस पार दसंगे कोरोना वायरस नू लेके ताजा अपडेट ते कैनेडा विच वड्डे ड्रग रैकेट दा होया पर्दाफाश।